हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी में क्या अंतर है, ये दोनों मेमोरी क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। ये एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देती है। सीपीयू की गति अधिक होती है, लेकिन रैम की गति कम होने के कारण सीपीयू व रैम के मध्य डेटा स्थानांतरण की गति कम हो जाती है। यानी सीपीयू तो फास्ट गति से काम करता है, लेकिन रैम की गति सीपीयू की गति में तुलना होती है की तुलना में कम होती है। तो इस कारण क्या होता है कि सीपीयू रैम से जो डेटा लेता है तो रैम उसे स्लो डेटा देती है, जबकि कंप्यूटर सीपीयू तो फास्ट डेटा प्राप्त करना चाहता है। तो फिर इसका एक हल ये निकाला गया कि इन दोनों के बीच में कैश मेमोरी डाल दी जाती है। तो कैश मेमोरी की गति फास्ट होती है और सीपीयू को अधिक तेजी से डेटा को उपलब्ध करा देती है। यानी क्या हो रहा था कि रैम सीपीयू को डेटा तेजी से उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, तो सीपीयू और रैम के बीच में एक और मेमोरी को डाल दिया गया जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। तो वो उसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती है वो सीपीयू जिसको सीपीयू की जरूरत पड़ती है कोई भी काम को प्रोसेस करने के लिए, तो वो कैश मेमोरी में डाल दिया जाता है। तो यह सीपीयू से अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध करा देती है कौन, कैश मेमोरी। उसी प्रकार सीपीयू से प्रोसेस के डेटा को तीव्र गति से ग्रहण भी कर लेती है। यानी कि कैश मेमोरी सीपीयू को तेज गति से डेटा प्रोवाइड भी करती है और सीपीयू जो उसको वापस रिटर्न देता है उसको तेजी से ग्रहण भी कर लेती है। इससे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है और कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। ये काम है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होती है। ये डायग्राम आप एग्जाम में बनाइए। कैश मेमोरी अभी लास्ट ईयर ही एग्जाम में पूछा गया है। कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज होती है, मुख्य मेमोरी यानी रैम से। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। जिन प्रोग्राम और निर्देशों का बार बार यानी जिन इंस्ट्रक्शंस का बार बार यूज़ होता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है और अगर वो फाइल उसे वहाँ में नहीं मिलती है तो उसके बाद वो रैम पर जाता है। यानी पहले वो कैश मेमोरी में देखेगा, यहाँ नहीं मिलेगा उस इंस्ट्रक्शन तो मेन मेमोरी में जाएगा। ये कैश मेमोरी का कार्य है। अब कैश मेमोरी का लाभ क्या है ये हम देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर को सामान्य रूप से रैम से डेटा पढ़ने में लगभग 180 नैनो सेकंड का टाइम लगता है। मतलब रैम से अगर सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा तो 180 नैनो सेकंड्स लगेंगे, परंतु यही कार्य अगर वो कैश मेमोरी से लेता है डेटा तो 45 नैनो सेकंड में ही ले लेता है डेटा। यानी कि 4 गुना उसकी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि उसको 180 सेकंड लग रहे थे, नैनो सेकंड लग रहे थे, यहाँ उसे 45 नैनो सेकंड लग रहे हैं कैश मेमोरी से डेटा लेने में। तो आप समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर और फोन में कैश मेमोरी कितनी लाभदायक होती है। कैश मेमोरी की वजह से आपके फोन और कंप्यूटर दोनों की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। देखो एक डायग्राम में बताया गया सीपीयू कैश मेमोरी से डेटा ले रहा है और इधर रैम है, इन दोनों के बीच में कैश मेमोरी है। ठीक है, अब हम दूसरी मेमोरी जो है रजिस्टर मेमोरी की बात करते हैं। तो रजिस्टर मेमोरी को हम रजिस्टर भी कह सकते हैं। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी का साइज 16, 32 या 64 बिट होता है। सीपीयू में कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। रजिस्टर मेमोरी का आकार बहुत छोटा है, लेकिन सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी का पता ये अपने अंदर अस्थायी रूप से स्टोर कर लेती है रजिस्टर मेमोरी। अब रजिस्टर मेमोरी के प्रकार क्या हैं? तो ये 2 प्रकार की होती है, MAR और MBR। MAR मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और MBR मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। धन्यवाद।